वहां ये सारे का सारा डिस्कशन कंप्लीट करने का। एंड नाउ इज द टर्न फॉर योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेटा, डियर चिल्ड्रन, आपकी एनसीईआरटी में बेटे दो तीन इंपॉर्टेंट टाइप की एग्जांपल्स हैं, इनका करना बहुत जरूरी है। ये एग्जांपल्स आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। इनका टेक्निक क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट उत्तर? तो स्टेटमेंट मैं बोलकर आपको करवा देता हूँ। आप बुक को प्रेजेंटली आप लोग बंद ही रखिएगा ताकि हम अच्छे से डिस्कशन कर पाए। फिर जब खोलनी होगी मैं एक्सरसाइज में आपको बोलूंगा कि आप बुक खोल लो। क्लियर? कॉपी पेन एंड एवरीथिंग रेडी? ऑल राइट बेटा, चलिए जी बेटे। फिर 9.1 नंबर एग्जाम्पल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इसका। और आपको क्या कहा गया है इस एग्जाम्पल में, लेट अस कंसेंट्रेट। खोलना नहीं, अभी नहीं खोलना, अभी बंद कर दो आप। ना ना ना, ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। कोई 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता चल जाता है कि मास आपको डियर चिल्ड्रन दिया गया है 5 किलोग्राम का। राइट? ठीक है जी, फोर्स की बात भी करेंगे, चिंता मत करो आप। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स, वो कांस्टेंट फोर्स 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर 2 सेकेंड्स के लिए एक्ट की। टाइम भी लिख लिया हमने, ठीक हो गई बात? हाँ जी, कहते हैं ठीक है। देन बेटा, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। अगेन बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि वो जो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स ने ऑब्जेक्ट की स्पीड को 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करके कहाँ तक बढ़ा दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड तक। अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट, नहीं बेटे ऐसे नहीं भाई, एक मुझे भी तो समझाने दो ना। आपने पेपर आपने करना है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं और फाइनल को? वेरी नाइस वेरी नाइस, इट मींस आपको आता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कितनी फोर्स आप अप्लाई कर, एक मिनट बेटा, कितना फोर्स अप्लाई करोगे ये निकालना है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है व्हाट वुड बी द, नाउ इफ द फोर्स अप्लाइड इज फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, देन बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर फोर्स आप 2 सेकेंड्स की जगह पर 5 सेकेंड्स के लिए अप्लाई कर दोगे। राइट बेटा, ये सेकेंड पार्ट में कहा गया है। इफ द टाइम इज 5 सेकेंड्स तो नए वाला फोर्स कितना होगा, दिस इज बेटे रिक्वायर्ड। मैं पूरा स्टेटमेंट बेटा एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे भी। ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, और नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स, देन व्हाट मस्ट बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। तो ये आप लोगों को उन्होंने बेटा थोड़ा सा दिया है कि फाइनल वेलोसिटी आप कैसे निकाल पाओगे सेकंड सिचुएशन में बेटा। आइए बेटे, डियर चिल्ड्रन, एक बार तरीका समझने की कोशिश करिए पहले। न्यूमेरिकल छोटी चीज है, तरीका समझो पहले। इधर ध्यान दो पुत्र, जो आपको चीज उन्होंने दी हुई है स्टेटमेंट में, सबसे पहला स्टेप होता है उसको इस तरीके से लिख लो, निकाल के लिख लिया। अब देखो, आपको फोर्स निकालना है। आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि इन चीजों को यूज करके आप फोर्स कैसे निकालोगे, ठीक। और दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि आपका जो है ये टाइम अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, ये भी आपके माइंड में आ जाना चाहिए। वही कह रहा हूं ना। अच्छा, वेलोसिटी को हुआ है उन्होंने, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी अगर आप टाइम को बढ़ा दोगे, ये पूछा हुआ है।
लेट इट बी एज सच। पहले पार्ट की रिगार्डिंग आप लोग न्यूटन सेकंड लॉ सारे जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बेटा। आपका जो अप्लाइड फोर्स है दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा, ठीक है जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका बेटे एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होता है ना बेटा, है नहीं? एम इंटू ए हो गया। हाँ जी हाँ जी ठीक है। ये 5 किलोग्राम का V कितना है? 7 V 2 5 4 2 5 2 10 आ गया। 10 क्या लिखूं मैं, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? पक्की बात है, आप भूल तो नहीं रहे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर आप 10 न्यूटन होती है। अब आपका वेलोसिटी निकालना है अगर आप टाइम इंक्रीज कर दोगे तो, ठीक है जी। अगर टाइम इंक्रीज करोगे तो आपको, हाँ जी बोलिए, यू प्लस ए टी, ए तो हमारे पास है नहीं, कैसे? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी के वन नहीं होता है, यहाँ के वन नहीं होता है, के लिखना होता है जब आपको स्टेटमेंट में पूछेंगे ना कि न्यूटन। सुनिए मेरी बात बेटा, आपका जो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उन्होंने कहा था शुरू में कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, यही कहा था ना। इसका मतलब है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास तो आपका बदलेगा नहीं, एक्सेलरेशन भी फिर कांस्टेंट हुई, इट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन बन गया एफ था आपका 10, एम था आपका 5, ये बन गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मानते हो बात की नहीं? मान रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, अभी पढ़ा है हमने। वेरी नाइस वेरी नाइस। u तो आपके पास है ही है, देखो 3, a आपने निकाल लिया 2, t कितना लू अब मैं? यस, अब आपको समझ आ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे थे। b इज इक्वल टू 3 प्लस 10, 13 मीटर पर सेकंड आ गया। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट, चेक कर लो, कोई बात नहीं, पता चली तो पूछ लो आप। कहां पर वो क्यों जी, माइनस क्यों? माइनस तो बेटे मेरी बात सुनो, माइनस तो तब आएगा अगर आपका रिटार्डेशन होगा ना। ये रिटार्डेड मोशन थोड़ी है, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, ठीक है जी, राइट। क्या डालेंगे? कौन से वाला साइन नहीं डालते? ओए बेटे स्लैश को मत आप लेकर चलिए, वो तो सिर्फ बेटे आप ये क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं किया करो भाई। ये स्लैश होता है, आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको ऐसे लगे तो, ये लीजिए, ठीक हो गया। अब बिल्कुल 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 हाँ हाँ हाँ, लेकिन उससे एक्सेलरेशन थोड़ी ना नेगेटिव हो जाएगी बेटा, एक्सेलरेशन ही नेगेटिव होगी। चले आगे, अब करो जी करो, नोट करो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल नंबर 9.6 बेस्ड अपॉन द रिकॉइल ऑफ द गन। बेटे इधर आ जाओ आप, पहली सीट पे, डरते क्यों आप? बिल्कुल दरवाजे के पास आ जाओ, फ्रेश एयर आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। रब कर दो अब इसको, ओके कर ही लो आप, पहले मैं बाद में रब कर लेता हूं। सो बेटा कोशिश करिए कि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, फिर आपकी कॉपीज भी एक बार चेक करनी है।
मैडम भी कॉपी चेक किया करते हैं आपकी, आपको याद है ना, भूल तो नहीं गए, याद है पक्का? तो आपकी कॉपीज मैम ने भी मंगवानी है, तो यू आर टू बी वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग योर होमवर्क, नोटबुक कंप्लीशन एंड ऑल दैट। तो मैं हाँ, अगर आप आ जाओगे तो इधर करवा लेना पीडीएफ, कैसे पीडीएफ भी वो मंगवाते होते हैं मैम। 9.6 बेटा एग्जांपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी, नहीं मैं वो ये नहीं कह रहा थी वो अनइम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट ही थी, आई थिंक वन था वो। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट दी गई है, मास बच्चों इसका आपको दिया गया है 10 ग्राम। मैं रिपीट करूं अगर, ए बुलेट सॉरी 20 ग्राम है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। इसको 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ उन्होंने फायर किया है हॉरिजॉन्टल के अलोंग फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। एक पिस्टल है जिसका मास 2 kg आपको दे रखा है। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी आपको निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी पिस्टल की आपको चाहिए। अगर बेटे मैं डायग्राम बनाकर आपकी थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका पिस्टल है और बच्चों इसके पिस्टल के इंटीरियर में एक बुलेट है, ये इसका मास 20 ग्राम है। फायर करने से पहले तो इसके अंदर रेस्ट भी है, आफ्टर फायरिंग ये बुलेट मूव करने लग गई और इसकी वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है। जब ये आगे जाएगी तो पिस्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में किक करेगा, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। वी विल बी डायरेक्टली अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन सबसे जरूरी होता है आपको देखना पड़ेगा कि क्या यूनिट सारे एक जैसे हैं। ये नहीं है, ये ग्राम्स में है, इसको ये भी SI, ये भी SI, ये भी SI, ये CGS में है, इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 × 1/1000 किलोग्राम, ये देखो एक जीरो कट गई, ये आपका 1/50 किलोग्राम आ गया। मास ऑफ द बुलेट बेटे देखो, गोली का मास 1/50 किलोग्राम आ गया जी। इसको हमने स्मॉल एम बोला, इसकी वेलोसिटी को स्मॉल भी कह दें, कह देना चाहिए, राइट। अब मुझे सारे बच्चे बताइए, हाँ जी 20 का, हाँ हाँ 2 × 50 कर तो दिया ये, है ना। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, आपके पिस्टल का और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना है, क्यों जीरो भाई, दोनों ही रेस्ट पे हैं। अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लिख लो जी, मास ऑफ द ये आपका बुलेट 1/50, वेलोसिटी इसकी जीरो, इसके अंदर है, रेस्ट पे है। मास ऑफ द पिस्टल 2 kg, रेस्ट में ही है पहले, जीरो, ये जीरो आ गया। आई फॉर इनिशियल, ओ नहीं बेटे, यू तो वेलोसिटी के लिए होता है ना, ये सबस्क्रिप्ट आई डाला है, पी मोमेंटम है, आई का मतलब है इनिशियल मोमेंटम, ऐसे ही पी फाइनल। मास ऑफ द बुलेट 1/50, वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, नहीं वेलोसिटी 150, यस, और पिस्टल का मास 2 kg, पिस्टल की वेलोसिटी वी मान ले, ये आ गया, ठीक है 53 × 150, 3 आ गया, ये 3 + 2 भी आ गया, ना 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 ना, इसके साथ भी नहीं है,
इसके साथ वी नहीं है, आप ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। आप इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से कंपेयर कर दीजिए, है ना। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हो गए बच्चों। अरे मानते हो बात की नहीं, मानते हैं, ऐसे बोल दिया करो ना फिर आप। थ्री प्लस टू भी आ गया, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा लिख दूं तो कैसा लगेगा, तो भी ऑल राइट है। तो अगर ऐसा लिख दूं तो अगेन ऑल राइट, और अगर ऐसा लिख दूं तो गुड, तो आपकी वेलोसिटी निकल भी गई। अब मुझे ये बताइए ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है। ना ना ना, वो ठीक कह रहा है। अगर बुलेट इस तरफ जा रही है, नेगेटिव साइन का मतलब है ये इस तरफ आएगा, उल्ट डायरेक्शन में। नहीं, थर्ड लॉ को आप इसके साथ कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे वेलोसिटी के साथ आ रहा है ना नेगेटिव साइन, इसका मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस वाली वेलोसिटी से उल्टी हो गई, अपोजिट आ गई। 11 रोल नंबर कुछ कहना चाहता है भाई। 11 रोल नंबर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। सर जो लास्ट वीक जो टेस्ट हुआ था ना, उसमें जो उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात की थी, जिसमें कहा था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जो दोनों फोर्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। तो सर मैंने जब इक्वल पे क्लिक करके सबमिट किया था तो उस पे कुछ भी मतलब करेक्शन नहीं आई थी, तो फिर वो बता दो क्या आंसर था उसका। ये ऐसे ना मुझे याद नहीं होगा, मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं देख के कल बताऊंगा, मुझे याद ही नहीं है क्या है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो बात कर लेंगे, आप चिंता मत करो। राइट, ओके बेटा। बेटे पी टू लिख लो, पी एफ लिख लो, एक ही बात है। टू का मतलब है दूसरी बार मोमेंटम आपने निकाला, एफ का मतलब है फाइनल मोमेंटम, एक ही बात है, लिखने का तरीका ही है। राइट, चलें जी आगे, ये थक गई लगती है देखो उसको। हाँ ऐसे नहीं करो भैया, अभी तो मॉर्निंग है, आप ऐसे करोगे तो फिर काम नहीं ना चलेगा। आप पहले आ रहे हो स्कूल रेगुलरली कि नहीं, वो नहीं थक करते हो। चलिए बेटे आइए आगे चलें। सो डियर चिल्ड्रन 9.7 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 9.7, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप सुनिएगा, सारे बच्चे सुनिएगा। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 m/s ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। एक स्टेशनरी कार्ट है ये यहां बनाने की मैं कोशिश करता हूं, आप जरा देखिएगा आपको कैसा लगता है। ये स्टेशनरी कार्ट है, मान लो हल्का सा है, 3 kg उन्होंने मास दिया है, तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसका मास, डियर चिल्ड्रन, आपको 3 kg दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब स्कूल लगता है यहाँ बच्चे वो ऐसे चलाते फिरते होते हैं ना, वो इट इज समथिंग लाइक दैट। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 m/s। ये एक गर्ल है, मान लीजिए ये गर्ल है, ठीक है, ये भागी भागी आ रही है ऐसे, राइट। ये इधर भाग के आ रही है, 5 m/s की इसकी स्पीड है एंड 40 kg उसका मास है, राइट। आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। इस गर्ल ने क्या दिया, ऐसे भागे आते 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 इस पे जंप कर दिया कार्ट के ऊपर। तो अब अगर जंप कर देगी ये कार्ट के ऊपर तो अब कैसी पोजीशन होगी कार्ट की, जरा देखिएगा, ऐसा होगा पुत्र जी, राइट, ऐसा ही होगा। चलने लगेगा ना कार्ट, वही मैं कह रहा हूं,
अब देखो वो गर्ल और कार्ट एक चीज बन गए है ना, क्योंकि वो कार्ट भी बैठ गई है, खड़ी हो गई है। अब आप इन दोनों चीजों को, गर्ल को और कार्ट को, एक चीज लेके चलिए। अब ये गर्ल जब इस कार्ट के ऊपर आकर स्टैंडिंग पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में है, तो दोनों का वेलोसिटी आप मान लो वी के बराबर है, कुछ तो वेलोसिटी होगा, कार्ट रुक थोड़ी जाएगा, राइट। अब उन्होंने कहा है assume that there is no friction, no external unbalanced force working in the horizontal direction, final velocity of the cart निकालना है आपको। बेटे कर रहे हैं आप, चिंता क्यों करते हो, step by step करेंगे, आपको समझाता हूं, एक बार समझिएगा। ये girl child है, दौड़ लगा रही है, अच्छी बात है, दौड़ लगाती लगाती उसको कार्ट दे दिया, उसने कहा कि जंप कर जाते हैं, चलो थोड़ा इसको रोल कर लेंगे। अब दोनों चीजें रोल कर रही हैं। अब ध्यान से देख के बताइएगा, इनिशियल मोमेंटम जब उसने कार्ट में जंप नहीं किया था, इसका भी और इसका भी कितना होगा, आप बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा गर्ल का भी और उस कार्ट का भी, जीरो कैसे होगा। हाँ इनिशियली तो कार्ट रेस्ट पे था ना, हाँ जी ठीक है, कार्ट का भी और गर्ल का भी दोनों का इकट्ठा ही जाइए ना, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक मिनट उत्तर, एक मिनट जरा ध्यान तो दो। गर्ल का मास 40 kg है, उसकी स्पीड 5 m/s है, 5 m/s बहुत होती है ना, प्लस कार्ट का मास कितना है 3 kg है और कार्ट रेस्ट पे था, ऐसे कर दूं, सारी बात समझ आ रही है, 40 × 5 कितना होता है, पक्की बात है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख दूं साथ में, राइट। अब देखो आपकी गर्ल इस कार्ट में बैठ गई है या खड़ी हो गई है, फाइनल मोमेंटम, अरे 3V, नहीं 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 उसका मास भी तो ऐड होगा भाई, यस। अब दो दो चीजें इकट्ठी नहीं हो गई, ये गुड़िया का मास आ गया, ये कार्ट का मास आ गया, टोटल मास इतना हो गया, यस। ये उनकी वेलोसिटी आ गई, कितना हो गया ये 43V आ गया, और आप इसको यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड कह सकते हो, इनिशियल को और फाइनल को कंपेयर कर दें तो कर दीजिए, फिर इसमें क्या रह गया, कुछ भी नहीं, 43V, दिस इज 200, वी आ गया 200/43, 4 point something आ जाना चाहिए, चेक करिए, हाँ जी 4.06, नहीं 65 लिखा इसने तो, 4.65 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो कार्ट जो है रोल करने लग जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ पे बच्चे वो स्केटिंग कर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चल ठीक है कुछ मर्जी कह लो, बात समझ में आनी चाहिए, आ गई ना समझ में, राइट बेटे, गुड़िया चलें आगे, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना चाहिए, ये तो सारा कुछ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ना, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही लिखना है, वेरी राइट, बिल्कुल जी बिल्कुल, इक्वेशन ही लगानी है, चलें आगे, हाँ चलिए जी चलिए, चलेंगे तभी काम खत्म होगा, नहीं तो फिर पेंडिंग रह जाएगा, है ना, तो आइए आगे चलें। रोल नंबर 11 रोल नंबर, एग्जांपल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं, पहले समझिएगा फिर मैं आपको समझाऊंगा, जरा समझो मैं बोल के आ रहा हूं स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स, आजकल हॉकी के दिन है,
है ना, टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स व्हाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड इमीडिएटली एंड बिकम एंटेंगल्ड। अपोजिट टीम के दो खिलाड़ी हैं, बॉल पे कंट्रोल करना चाहते हैं, एक दूसरे की तरफ भागे हुए हैं, टकरा गए, टकरा कर एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए, एंटेंगल हो गए, राइट। वन हैज ए मास ऑफ 60 kg एंड वाज मूविंग विद 5 m/s, समझ आ गई बात आपको। अदर इज हैविंग ए मास ऑफ 55 kg एंड मूविंग विद 6 m/s, यस। एंड इन विच डायरेक्शन एंड विद विच वेलोसिटी दे विल फॉल आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड, यस। ये आपने मुझे लगता है पहले कर लिया ये, है ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। अब पहले बेटे देखो, सारे बच्चे जो स्टेटमेंट है मैं उसको डायग्राम की शेप देने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे बताना आपको समझ आती है कि नहीं। ये आपका हॉकी का फील्ड, ठीक है जी। ये देखो अपोजिट टीम के प्लेयर हैं, इसका मतलब है अपोजिट ही भागेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक टीम का प्लेयर अपना ही गोल कर लेगा, ऐसा थोड़ी है। ये आपका एक प्लेयर है हॉकी का, ये इसका मास उन्होंने दिया हुआ है जी 60 kg, राइट। और ये अपनी हॉकी लेकर ऐसे भागा हुआ है, इसका मास 60 kg है, 5 m दी हुई ना, देखना जरा, ऐसे भाग रहा है, यहाँ पे बॉल पड़ी है, इसका मतलब है फटाफट पहुंच जाऊं गोल कर दूं। लेकिन उधर भी ऐसा ही बंदा है एक, वो कहता मैंने गोल होने नहीं देना। ये प्लेयर जरा और तेजी से भागा हुआ है, ये देखिए इसकी हॉकी, और ये 55 kg का मास है, स्पीड इसकी देखो इससे ज्यादा है, तेजी से भागा हुआ है ना। हाँ कोई हुआ बेटे, आप ऐसे मत करो, दो टीम के प्लेयर हैं अपोजिट, बस कोई हो गए, ए और बी कह लो आप, भागे हुए हैं दोनों, दोनों के दोनों ने कंट्रोल खो दिया, यहाँ पे टकरा गए। अब जब टकराएंगे तो फिर बेटा इनका देखो कुछ इस तरीके की हालत हो जाएगी। ये प्लेयर था, ये ऐसे हो गए, पता नहीं चल रहा कौन सा प्लेयर किधर है। अब उन्होंने कहा है कि ये दोनों क्या इस तरफ गिरेंगे या इस तरफ गिरेंगे, ये बताइए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, आपको देखो ऐसे नहीं, ऐसे एक मिनट भाई, एक मिनट, ऐसे तुक्का नहीं लगाना। वी विल मूव विद एब्सोल्युटली साइंटिफिक बैकग्राउंड, आप पहले इनिशियल मोमेंटम निकालोगे फिर फाइनल निकालोगे, लेकिन अब फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए आपको दोनों का मास ऐड करना पड़ेगा। एक चीज बन गए दोनों, अब टकरा गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, इनकी वेलोसिटी मान लो बी है। अब इनिशियल मोमेंटम कौन लिखवाएगा, आप उठ जाइए, इसका मास, इसकी वेलोसिटी आगे, ये दिस इज द की पॉइंट, ये अपोजिट टीम है उधर जा रहा है, -6 लगाना पड़ेगा, पता लग गया माइनस क्यों लगाया, ये इधर वाली पॉजिटिव, यस यस यस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, पहले क्वेश्चन में बता दिया था, ये कितना बना, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, ये -30 आ गया, पक्की बात है, दोनों का मास इकट्ठा कर लो, कितना बन गया टोटल मास, 11। रोल नंबर आपकी आवाज नहीं आ रही, कितना मास बना, 115। दोनों की वेलोसिटी कितनी है, बी, अच्छा ये भी यहां था लिखना है ना, ये आ गया इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को क्या करें, कंपेयर कर दें, सच में कर देना चाहिए। दिस इज -30 आपका इनिशियल आ गया, फाइनल कितना था, तो ये बी कितना आ गया, -30/115, बी आ गया -6/25,
मीटर पर सेकंड, जरा चेक करिएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट कौन सी, एक मिनट, अब ये इधर गिरे कि इधर गिरे, इधर के इधर, इधर, और इसका मतलब ये मैं हटा दूं, ये दोनों इधर गिर जाएंगे बिकॉज इसको हमने नेगेटिव लिया हुआ। अब बात समझ में आ गई सारे बच्चों के, पक्की? हाँ जी, नहीं आई? ये दोनों का मास ऐड कर लिया ना, दोनों की वेलोसिटी वी मानी हुई आपने, ये मोमेंटम आ गया फाइनल दोनों का, m1 plus m2 into v करके इसको इनिशियल मोमेंटम से कंपेयर कर दिया, हमें पता ही नहीं है वो तो निकालनी, उसको v कह दिया ना, अब दोनों एक चीज हो गए ना, टकरा गए हैं, कोलाइड कर गए हैं। 11 रोल नंबर, यू आर वेलकम। सर प्लीज ये बता दो कि वो गिरेंगे उस मतलब माइनस वाली साइड में कैसे गिरेंगे? माइनस वाली साइड का मतलब है ये वेलोसिटी को आपने नेगेटिव लिया हुआ है इधर वाली। यस मैम, यस सर। तो अगर इधर वाली नेगेटिव है तो ये नेगेटिव का मतलब है वो इधर गिरेंगे, राइट? ओके सर। आपको मिस कर रहे हैं बहुत क्लास में, सबसे आना स्टार्ट कर रहे हो। ओके बेटा, बेल आपका हो गया है, बाकी काम कल करेंगे। थैंक यू ऑल बेटा।